जनट्यू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के धौलपुर सहित 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा के बाई इलेक्शन के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। और अगर हम बात करें राजस्थान की तो मुकाबला बड़ा रोचक कहा जा सकता है। पूर्व अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये इलेक्शन को लेकर के ये कहा जा सकता है कि बाई इलेक्शन बहुत सारे देखे, इस दौरान के भी देखे, पिछले कुछ भी देखे, लेकिन इलेक्शन काफी रोचक रहा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है और प्रतिष्ठा के लिए यह सीट बन गई है। और निश्चित रूप से राजनीतिक दलों का दावा भी यही होता है कि हर चुनाव ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के लिए प्रतिष्ठा का होता है और उसी अंदाज में लड़ते हैं, लेकिन बाई इलेक्शन में पर्टिकुलर किसी सीट पे होता है वहां कार्यकर्ताओं की पूरी फौज होती है, नेताओं का पूरा जमावड़ा होता है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लगातार कैंप किए और मुझे याद दिलाया उस बात को कि जैसे हाल ही में उत्तर प्रदेश के सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो हुए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कैंपेन किया और किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते थे, जो मर्जी हो कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर रोड शो करना था तो रोड शो किया, सभाएं जहां करनी थी वहां सभाएं की, जिससे मिलना था उनसे मिलने भी गए। उसी तरह से वसुंधरा राजे ने भी धौलपुर में किया। सचिन पायलट, अशोक गहलोत ने अपने प्रत्याशी के लिए जमकर वहां पे पसीने बहाए, गलियों में घूमना पड़ा। यह कहा जा सकता है कि जैसे लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं और एक एक घर घर को टच करना जरूरी होता है, उसी तरह से इस इलेक्शन की एक तरह से कहें कि पूरी रूपरेखा और एक पिक्चर देखने को मिली। और मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जो कुछ हुआ वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। नेताओं को इस बात से एहसास होता है कि वोट और वक्त की कीमत क्या होती है। अगर वास्तव में विकास जो एजेंडा होना चाहिए उस पे अगर यकीन किया जाएगा और देखा जाएगा, तो यह ऐसा वक्त होता है कि नेताओं को पूरी तरह से मनवाया भी जाता है और अपनी स्थिति भी साफ कर दी जाती है कि आप अगर विकास नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। और होना भी यही चाहिए, जब जनप्रतिनिधि किसी को चुनकर भेजा जाता है तो होता यही है कि वो सरकार और जनता के बीच एक कड़ी होता है जो विकास कर सके, और एजेंडा भी यह होना चाहिए कि हम विकास के लिए संघर्ष करते रहें। खैर चलिए, हम आपको दिखाएंगे कि रोड शो दोनों के रहे, एक दिन पहले सचिन पायलट और चुनाव प्रचार थमने के ठीक पहले वसुंधरा राजे ने अपना रोड शो पूरा किया। आपको याद है ऐसे शहर में 85 के समय आप लोगों ने ऐसी यात्रा निकाली थी और मैंने आपको ये कहा था कि मौका दोगे तो मेरी गोली इस घर में आई है और मेरी अर्थी इस घर से जाएगी। मेरे को रास्ते में लोगों ने कहा अरे महाराज भूल जाती हो, मैंने कहा याद रखने का मौका तो दो। बौखला गई है सरकार और मुख्यमंत्री खुद यहाँ डेरा डाले हुई हैं, 15 से अधिक मंत्री यहाँ पर प्रचार करने में लगे हुए हैं। अगर मुख्यमंत्री जी ने धौलपुर का विकास किया होता तो धौलपुर शहर और गांव की सड़कों के हाल नहीं होते, अस्पतालों में डॉक्टर होते, स्कूल बंद नहीं होते, किसान आज बिल्कुल हताश है। विकास किया होता तो गृह जिले की गुहार देने की नौबत नहीं आती, पूरी सरकार को यहाँ पर नाक रगड़नी नहीं पड़ती। वो तो लोगों से कटी हुई रही सरकार, 3.5 साल में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ पूरे प्रदेश में और विशेष रूप से धौलपुर में। वो तो उपचुनाव है इसलिए इश्तेहार छपाए जा रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। तो चलिए, अपने अपने दावे और अपने अपने वादे हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक बार फिर दोहराया है कि उनकी डोली यहीं आई है तो अर्थी भी यहीं से निकलेगी। वो भरतपुर घराने की बहू हैं और पूरी तरह से वो कर्तव्य निभाती रहेंगी और विकास एक एजेंडा है जिसके नाम पे वो वोट मांग रही हैं। दूसरी ओर सचिन पायलट ने साफ आरोप लगाए हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, मुख्यमंत्री आकर के यहाँ पे जम गई और उनके राज्य मंत्रिमंडल के करीब 1.5 दर्जन सदस्य यहां बैठे रहे, वो लगातार लोगों को गुमराह करते रहे। खैर चले, आरोप प्रत्यारोप हमेशा चलते हैं, कोई नई बात नहीं है। हम लेकिन उस नजरिए से देखेंगे कि जीत का दावा हार का दावा ये राजनीतिक दल कर सकते हैं, लेकिन एक पारखी नजर जो जर्नलिस्ट की होती है, हम उस नजर से देखेंगे कि राजनीति चुनाव में किस दिशा में जा रही है, क्या वास्तव में कुछ सुधार की गुंजाइश है और होना क्या चाहिए। चले, ओम सैनी साहब वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार हमारे साथ में। ओम जी, ये इलेक्शन आपने देखा, सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो 13 अप्रैल को जब परिणाम आएगा उस वक्त डिसाइड होगा, लेकिन जो पिक्चर देखने को मिली, कि मुझे इसमें एक तो जो देखने को मिल रहा था पूरे इलेक्शन के दौरान कि एजेंडे गायब थे, मुद्दे गायब थे, तो ऐसा क्यों हो गया कि अब बिल्कुल
जनता का जो अपना जो कहते हैं वो हामी में हामी नेताओं को बिल्कुल हां करनी होती है, क्योंकि सामने मतदान के दिन दिखाई देता है और मतदाता वो भगवान दिखाई देता है। कुछ ऐसा लगता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में कम से कम या तो कोर्ट को या कमीशन को जो वादे जो करते हैं उनकी भी एक रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और समय समय पे याद दिलाया जाना चाहिए, या फिर ये नहीं हो कि मैनिफेस्टो है इसमें आरटीआई की आवश्यकता क्या होती है, एक सरकारी डॉक्यूमेंट की तरह होनी चाहिए कि वास्तव में जो पार्टी रूलिंग सिस्टम में आती है उसने क्या वादे किए हैं। योगेंद्र जी आप ठीक बात कह रहे हैं, ये आइडियलिज्म की बात है जो मेरा ख्याल है कि इस वक्त इन चुनावों के दौरान बिल्कुल गुण हो गई है, और शांति के वक्त में जब गंभीरतापूर्वक हम प्रजातंत्र के वर्तमान स्वरूप पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, देश सोचने लगेगा तो इन बातों को निश्चित रूप से गौर करेंगे तो फिर एक रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल जो राजस्थान में चुनाव उपचुनाव हो रहा है वो मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री और सत्ताधारी दल ने जिस तरीके से उपचुनाव पहले मात खाई है वो स्थापित करना चाहती हैं कि उनकी रणनीति भी उनका अपना तरीका भी किसी कदर कमजोर नहीं है, क्योंकि अभी अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें जिस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की रही खासतौर से उसके नतीजे बड़े सार्थक रहे और आश्चर्यजनक रहे, तो वो भी ये मेरा ख्याल है कि इस धौलपुर के चुनाव में जिस तरीके से वो पूरे वक्त मौजूद रही हैं वो स्थापित यही करना चाहती हैं कि जो काम मोदी जी कर सकते हैं पूरे 5 प्रदेशों में वो काम राजस्थान में कम से कम मैं इस उपचुनाव में स्थापित कर सकूं। और यही वजह रही कि आज दोपहर तक जब उन्होंने आखिरी रोड शो किया तो उसके पीछे निगाह और नजर यही थी कि मुझे वही सब कुछ हासिल होना चाहिए। दूसरी तरफ पीसीसी के जो अध्यक्ष सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो लोग ये स्थापित करना चाहते हैं कि कांग्रेस पुनः अपने पैरों पर खड़ी हो गई है और हम लोग भी बूथ लेवल तक और हर कोने तक पहुंच सकते हैं और बात कह सकते हैं, और साथ साथ में जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं वो तो ठीक है वो, क्योंकि वो सब चीजें चली नहीं, न किसी ने महंगाई की चर्चा पे कोई बात कहीं गौर कर रहा है, तो सब कुल मिलाकर के देख रहे हैं कि एक तरफ सत्ताधारी